खबर बोकारो से है, जहां बोकारो से जल्द हवाई सेवा शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको लेकर गंभीर दिख रहा है। 28 फरवरी तक एयरपोर्ट के सभी कामों को पूरा कर हवाई सेवा पूरा करने का लक्ष्य है और इसको लेकर मंत्रालय के उप महानिदेशक प्रमोद कुमार ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे हैं। हवाई अड्डे के निरीक्षण उन्होंने किया। जस्ट इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट रिव्यू करने के लिए, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट और हम लोग जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और होपफुली जो फरवरी के एंड में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है चालू हो जाना चाहिए। नहीं, इंस्पेक्शन में हम लोग जो DGCA को लाइसेंस दिया के लिए अप्लाई किया था उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन हम लोग कम्प्लाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग करके देंगे और देन DGCA आएगा अपना फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, उसके बाद लाइसेंसेस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।